हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी सफल कार्रवाई। मुख्य हाईवे पर कंटेनर से 32 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ तस्करी के दो आरोपी किए गिरफ्तार। पाली पुलिस ने मंगलवार देर रात को कार्रवाई करते हुए बिस्किट चिप से भरे कंटेनर के पिछले हिस्से में रखी हरियाणा में बनी हुई 300 कार्टन से ज्यादा अंग्रेजी ब्रांड की शराब पकड़ी, जिसकी बाजार कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने शराब के कार्टन और कंटेनर को जब्त किया और साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये शराब गुजरात सप्लाई होने के लिए जा रही। कंटेनर में शराब के कार्टन के पीछे के हिस्से में छुपा रखे थे। ऐसे में कंटेनर को खाली करवाने में करीब 2 घंटे लग गए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है, इसके बाद ही पता चलेगा कि कंटेनर में कुल कितने कार्टन शराब है। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना में बुधवार अर्ली मॉर्निंग कंटेनर को खाली किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर SHO विक्रम सिंह साधु को मुखबिर से सूचना मिली कि कंटेनर से हरियाणा निर्मित शराब गुजरात सप्लाई के लिए जा रही है। ऐसे में COCT अनिल सारण के निर्देशन में उन्होंने मंगलवार रात को करीब 2 बजे ट्रांसपोर्ट नगर थाने के निकट ओवरब्रिज के पास स्टाफ के साथ नाकाबंदी की। संदिग्ध कंटेनर को रोका तो ड्राइवर ने बिस्किट चिप्स होने की बिल्टी दिखा दी। पुलिस ने सील तोड़ कंटेनर को चेक किया तो आगे के हिस्से में बिस्किट चिप्स के कार्टन ही नजर आए। पुलिस कर्मियों ने जब कंटेनर खाली करवाया तो खाली करने में 2 घंटे लग गए और तकरीबन उन्होंने कंटेनर को आधे से ज्यादा खाली किया। करीब 75% कंटेनर खाली होने के बाद पीछे के हिस्से में हरियाणा में बनी हुई अंग्रेजी शराब के कार्टन नजर आए। इस पर कंटेनर और शराब को जब्त किया गया है। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।